मार्केट विजार्ड सेक्शन 16 हाँ बिल्कुल आप स्पष्ट रूप से चौबीसों घंटे ट्रेडिंग नहीं कर सकते आप अपने काम और निजी जीवन के बीच बैलेंस बनाने के लिए अपना टाइम कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं मैं आमतौर पर अपनी ट्रेडिंग सुबह आठ बजे तक ही लिमिट रखने की कोशिश करता हूं और शाम 6 या सात बजे फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और यदि करेंसी मार्केट बहुत एक्टिव है तो मैं फॉरेस्ट में ट्रेडिंग करूंगा जो रात आठ बजे खुलता है ए एम टोक्यो में सेशन दोपहर बारह बजे तक चलता है यदि मार्केट जबरदस्त हलचल के दौर में है तो मैं कुछ घंटों के लिए बिलेवल पर जाऊंगा और अगले मार्केट की शुरुआत देखने के लिए उठूंगा यह बेहद इंटरेस्टिंग और रोमांचक है एक देश से दूसरे देश तक लहर को घूमते हुए देखने के लिए बिल्कुल जब आप वास्तव में शामिल होते हैं तो स्क्रीन लगभग आपके पास पहुंचती है और आपको पकड़ लेती है जिस तरह से कोर्स बनाए जाते हैं वह बदल जाता है वे वाइड हो जाते हैं वे वाइल्ड हो जाती हैं इनमें से प्रत्येक मार्केट में दुनिया भर में मेरे संपर्क हैं और मुझे पता है कि क्या हो रहा है यह बेहद रोमांचक खेल है हर टाइम अपॉर्चुनिटी होती है एक मिनट के लिए ट्रेडिंग पूरा भूल जाइए इस बिजनेस में मेरे होने का एक कारण यह है कि मुझे दुनिया भर की पॉलिटिक्स और आर्थिक घटनाओं का एनालिसिस असाधारण रूप से आकर्षक लगता है जिस तरह से आप इसका वर्णन करते हैं आप पूरी प्रोसेस को काम के बजाय एक निरंतर खेल की तरह बनाते हैं क्या आप सतमुच इसे इस तरह से देखते हैं यह काम जैसा महसूस नहीं होता सिवाय इसके कि जब आप हारते हैं तब यह काम जैसा लगता है वे हंसते हैं मेरे लिए मार्केट एनालिसिस एक जबरदस्त मल्टी डाइमेंशनल चेस बोर्ड की तरह है इसका आनंद पूर्णतः बौद्धिक है फॉर एग्जाम्पल यह, यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है न्यूजीलैंड के वित्त मंत्री किन प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हैं और वह है उन्हें कैसे हल करने का एफर्ट कर सकते हैं बहुत से लोग सोचेंगे कि यह हास्यास्पद रूप से विदेशी लगता है लेकिन मेरे लिए यह बिल्कुल भी विदेशी नहीं है यहां एक आदमी इस छोटे से देश को चला रहा है और उसके पास एक्चुअल प्रॉब्लम्स का ग्रुप है उसे यह पता लगाना होगा कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और श्रमिक संघों से कैसे निपटना है जो उसे पागल बना रहे हैं मेरा काम उसके साथ पहले सुलझाना है और यह पता लगाना है कि वह क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं और उनके कार्य के रिजल्ट क्या होंगे जिनकी उसे या मार्केट को उम्मीद नहीं है मेरे लिए यह अपने आप में बहुत मज़ेदार है इन सभी विविध वर्ल्ड मार्केट्स का अनुसरण करते हुए मुझे पता है कि आपने भारी मात्रा में आर्थिक साहित्य पढ़ा है क्या आप विभिन्न मार्केट एडवाइजरी लेटर्स पर भी ध्यान देते हैं मुझे हर दिन एक गुरु रिपोर्ट मिलती है उस लिस्ट में कौन है वे सभी न्यूज लेटर राइटर जिनके बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं प्रेचर ज्विग डेविस एलियट्स इत्यादि जैसे लोग क्या आप अपने गुरु रिपोर्ट का उपयोग अगेंस्ट राय के माप के रूप में करते हैं मैं बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनने की कोशिश करता हूं क्योंकि मेजर प्राइस मूव के दौरान वे इसके एक हिस्से के लिए सही होंगे मैं वास्तव में एक आम सहमति की तलाश में हूँ जो मार्केट पुष्टि नहीं कर रहा है मुझे यह जानना अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत होने जा रहे हैं इसलिए यदि आप देखते हैं कि आपके गुरु लिस्ट के अधिकांश सदस्य ऐसे टाइम में तेजी में हैं जब मार्केट ऊपर नहीं बढ़ रहा है और आपके पास बेरिस का कोई बेसिक कारण है तो आप ट्रेडिंग के बारे में स्ट्रांग महसूस करेंगे हाँ बहुत स्ट्रांग क्या आपको लगता है कि केवल गुरुओं का अनुसरण करके लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर सकते हैं संभवत है लेकिन मेरी धारणा यह है कि पैसा कमाने के लिए आपको दृढ़ विश्वास के साथ एक पोजीशन धारण करना होगा यह बहुत मुश्किल होता है जब आप किसी और को फॉलो कर रहे हो हालांकि कुछ अच्छे गुरु भी हैं फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट में मुझे मार्टीजिक पसंद है वह एक्सीलेंट रिस्क कंट्रोल का उपयोग करते हैं कुछ दूसरे गुरुओं के अगेंस्ट मुझे विश्वास नहीं है कि वह फ्यूचर के प्रोडिक्शन कर रहे हैं वह बस देख रहे हैं कि क्या हो रहा है और रेशनल दाव लगा रहे हैं आप रिस्क कंट्रोल के महत्व और किसी पोजीशन पर बने रहने के लिए दृढ़ विश्वास की आवश्यकता दोनों के बारे में बात करते हैं आप आमतौर पर किसी ट्रेडिंग में कितना रिस्क उठाते हैं सबसे पहले मैं पूरी कोशिश करता हूं कि किसी भी एक ट्रेड पर अपने पोर्टफोलियो के एक परसेंट से अधिक का रिस्क न उठाऊं दूसरा मैं अपने रिस्क को कम करने के लिए अपने ट्रेडों के को रिलेशनशिप की स्टडी करता हूँ हम यह देखने के लिए डेली कंप्यूटर एनालिसिस करते हैं कि हमारी सिचुएशन कितनी को रिलेटेड है कड़वे एक्सपीरियंसेस से मैंने सीखा है कि पोजिशन को रिलेशनशिप में गलत ट्रेडिंग में कुछ सबसे सीरियस प्रॉब्लम की जड़ है यदि आपके पास आठ अत्यधिक कोरिलेटेड पोजिशन है तो आप वास्तव में एक पोजिशन पर ट्रेडिंग कर रहे हैं जो आठ गुना बड़ी है क्या इसका मतलब यह है कि यदि आप डाइचे मार्क और स्विस फ्रैंक दोनों में तेजी में हैं तो आप तय करते हैं कि आपको कौन सा बेहतर लगता है और अपनी पूरी लॉन्ग पोजिशन उस करेंसी में रखें हाँ यह बिल्कुल सच है लेकिन इससे भी अधिक इम्पोर्टेंट एक संबंधित मार्केट में शॉर्ट के मुकाबले लॉन्ग में ट्रेडिंग करने का विचार है फॉर एग्जाम्पल यदि हालांकि मेरे पास डॉलर की कमी है फिर भी मैं येन की तुलना में लॉन्ग और डाइचे की प्राइस पर शॉर्ट हूं मेरे सभी ट्रेडिंग में यदि मैं किसी चीज में लॉन्ग हूं तो मैं किसी चीज में शॉर्ट होना पसंद करता हूं क्या डाइचे मार्क जापानी येन जैसी क्रॉस रेट इंडिविजुअल करेंसीज की तुलना में धीमी गति से चलती है आवश्यक रूप से नहीं फॉर एग्जाम्पल हाल ही में स्टर्लिंग और मार्क क्रॉस रेट लगभग दो पॉइंट और तीन पॉइंट जीरो जीरो के बीच एक साल भर की कंजेस्टन में था आखिरकार यह लगभग एक महीने पहले टूट गया जिस दिन यह ब्रोकआउट हुआ इसने लगभग 20 बार लिमिट के टॉप को चुनौती दी बैंक ऑफ इंग्लैंड इसका बचाव करता रहा अंततः बैंक ऑफ इंग्लैंड ने हार मान ली जैसे ही क्रॉस रेट 3.01 के लेवल को पार कर गया कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ वास्तव में तीन तक पहुंचने तक कोई ट्रेडिंग नहीं हुआ इस प्रकार यह बिना ट्रेड के लगभग पूरे एक बढ़ गया क्या यह इंटरबैंक मार्केट के लिए ऐसा मान्य है अत्यंत ऐसा मान्य। इसका मतलब था कि हर कोई तीन पॉइंट जीरो जीरो के लेवल को देख रहा था एक बार जब सभी को एहसास हुआ कि बैंक ऑफ इंग्लैंड आगे नहीं बढ़ रहा है तो कोई भी विक्रेता नहीं बनना चाहता था क्या उस प्रकार का ब्रेकआउट एक वायलेंट और क्विक ब्रेकआउट एक सामान्य ब्रेकआउट की तुलना में कहीं अधिक रिलायबल है हाँ यह कहीं अधिक रिलायबल है भले ही आपका फील्स वर्ष हो टेरेबल फिल्स जिसकी वर्ष फिल होगी आपका ट्रेडिंग उतना ही बेहतर होगा उस पोजिशन में तीन पॉइंट जीरो चार और तीन पॉइंट जीरो दो के बीच कुछ घंटों के ट्रेडिंग के बाद रेट सीधे तीन पॉइंट ग्यारह तक पहुंच गई क्या आप मानते हैं कि क्रॉस रेट्स डॉलर के मुकाबले नेट शॉर्ट या लॉन्ग पोजिशन की तुलना में करेंसीज में बेहतर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं हाँ क्योंकि क्रॉस रेट पर ध्यान देने वाले बहुत कम लोग हैं सामान्य रूल यह है जितना कम ऑब्जर्व किया जाए ट्रेडिंग उतना ही बेहतर होगा आपकी ट्रेडिंग स्टाइल में फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का सिंथेसिस शामिल है लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ ब्रूस हम आपको एक कमरे में रखने जा रहे हैं और आपके पास या तो सभी फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन हो सकती है या सभी चार्ट और टेक्निकल इनपुट जो आप चाहते हैं लेकिन केवल एक जिसे आप चुनेंगे यह एक डॉक्टर से यह पूछने जैसा है कि क्या वह किसी मरीज का इलाज डायग्नोस्टिक के साथ करना पसंद करेगा या उसकी पोजीशन की निगरानी करने वाले चार्ट के साथ आपको दोनों की जरूरत है लेकिन कुछ भी हो फंडामेंटल अब अधिक इंपॉर्टेंट है 1970 के डेकेड में अकेले टेक्निकल एनालिसिस का उपयोग करके पैसा कमाना बहुत आसान था तब फॉल्स ब्रेकआउट बहुत कम थे आजकल हर कोई चार्टिस्ट है और बड़ी संख्या में टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम्स मौजूद हैं मुझे लगता है कि उस बदलाव ने टेक्निकल ट्रेडर के लिए इसे बहुत कठिन बना दिया है क्या आपको लगता है कि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम अप्रोच अंततः अपने साइज के वजन और इस फैक्ट के तहत स्वयं नष्ट हो जाएगा कि इनमें से अधिकांश सिस्टम समान अप्रोच का उपयोग कर रहे हैं मुझे लगता है कि यह सच है एकमात्र चीज जो उन टेक्निकल सिस्टम को बचाएगी वह हाई इन्फ्लेशन के पीरियड हैं जब सिंपल ट्रेंड फॉलोइंग मेथडोलॉजी फिर से काम करेंगी हालांकि मेरे मन में कोई सवाल नहीं है कि अगर हमारे पास इन्फ्लेशन की स्टेबल मॉडरेट रेट्स हैं तो टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम एक दूसरे को खत्म कर देंगी आइए अपनी बातचीत को शेयर मार्केट पर मूव करें क्या आप मानते हैं कि शेयर मार्केट अदर मार्केट से अलग बिहेव करता है और यदि हां तो कैसे शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म काउंटर ट्रेंड कहीं अधिक है मार्केट ऊपर जाने के बाद हमेशा नीचे आना चाहता है कमोडिटी मार्केट फिजिकल गुड्स की सप्लाई और डिमांड से संचालित होते हैं यदि कोई एक्चुअल कमी है तो प्राइसेज ऊंची बनी रहेंगी तो यदि शेयर इंडेक्स मार्केट बहुत उतार चढ़ाव वाला है तो क्या कोई टेक्निकल अप्रोच है जो काम कर सकता है शायद लेकिन वे बदलते रहते हैं मैंने पाया है कि बहुत लॉन्ग टर्म डिसीजन लेने वाले सिस्टम शेयर मार्केट की बड़ी प्रगति को पकड़ लेंगी लेकिन आपको बहुत वाइड स्टॉप का उपयोग करने की आवश्यकता है इसलिए आपको नॉलेज को फिल्टर करने के लिए बहुत लॉन्ग टाइम तक रहना होगा अधिकांश ट्रेडर्स की तुलना में बहुत अधिक टाइम तक इसे संभालना संभव नहीं है क्योंकि उस स्ट्रेटेजी में बड़े रिट्रेसमेंट की राइड करना शामिल है एक अल्टरनेटिव अप्रोच के रूप में मैं जिन ट्रेडर्स को जानता हूं उनमें से एक यह पता लगाने की कोशिश करके स्टॉक इंडेक्स मार्केट में बहुत अच्छा फिलोसफी करता है कि शेयर मार्केट सबसे अधिक ट्रेडर्स को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है ऐसा लगता है कि यह उनके लिए काम करता है वह इसे कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं वह मार्केट सेंटिमेंट के फिगर्स को देखता है लेकिन बेसिकली यह गट फील का मामला है कुछ क्रिटिक्स ने अक्टूबर 1987 की क्रैश के लिए प्रोग्राम ट्रेडिंग को जिम्मेदार ठहराया है आपके अपने इमोशन क्या हैं मुझे लगता है कि इसमें दो अलग अलग एलिमेंट शामिल थे सबसे पहले अत्यधिक हाई प्राइसेस ने शेयर मार्केट को डिक्लाइन की चपेट में ले लिया जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट और अदर बेसिक कारणों से शुरू हुआ था दूसरा वह डिक्लाइन तथाकथित पोर्टफोलियो इंश्योरेंस में शामिल पेंशन फंडों की भारी सेल से बढ़ी क्या हम आर्बिट्रेज प्रकार के प्रोग्राम ट्रेडिंग के अगेंस्ट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं यानी पोर्टफोलियो इंश्योरेंस में पोर्टफोलियो रिस्क को कम करने के लिए स्टॉक के प्राइसेस में डिक्लाइन के रूप में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स को ऑर्गेनाइज्ड रूप से बेचना और प्राइस बढ़ने पर उन शॉर्ट्स को कवर करना शामिल है प्रोग्राम ट्रेडिंग आमतौर पर स्टॉक के बकेट्स में अगेंस्ट पोजिशन में स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स को खरीदने और सेलिंग को रेफर करता है जब दोनों की प्राइसेस आउट ऑफ लाइन होती है राइट right. जिस दिन एकमात्र तरीके से यह कहा जा सकता है कि आर्बिट्रेज ने प्रॉब्लम में मदद करने के बजाय इसमें योगदान दिया है वह यह है कि यदि यह प्रोग्राम ट्रेडिंग आर्बिट्रेज के लिए नहीं होता तो पोर्टफोलियो इंश्योरेंस कभी डेवलप नहीं होता तो क्या मार्केट में डिक्लाइन के लिए आर्बिट्रेजर्स को ही दोषी ठहराया जा सकता है क्योंकि उन्होंने पोर्टफोलियो इंश्योरेंस को संभव बनाया है हाँ यदि ब्रेडी रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि पोर्टफोलियो इंश्योरेंस कुछ ही घंटों में बिलियंस डॉलर की सेल के साथ मार्केट में आई मार्केट इसे ऑब्जर्व करने में असमर्थ था पोर्टफोलियो इंश्योरेंस एक भयानक विचार था यह केवल नाम का इंश्योरेंस था वास्तव में यह एक बड़े पैमाने पर स्टॉपलॉस ऑर्डर से ज्यादा कुछ नहीं था यदि यह पोर्टफोलियो इंश्योरेंस सेल के लिए नहीं होता तो मार्केट अभी भी तेजी से नीचे चला गया होता लेकिन 500 पॉइंट की डिक्लाइन जैसा कुछ भी हमने नहीं देखा क्या आपको लगता है कि महान ट्रेडर्स के पास स्पेशल टैलेंट होती है एक अर्थ में डेफिनेशन के अनुसार बेहतर ट्रेडर्स का एक स्मॉल ग्रुप ही हो सकता है क्योंकि ट्रेडिंग एक जीरो सम गेम है प्रतिभा और हार्ड वर्क के बीच ट्रेडिंग सक्सेस का बैलेंस क्या है यदि आप बहुत मेहनत नहीं करते हैं तो यह बहुत कम संभावना है कि आप एक अच्छे ट्रेडर होंगे क्या ऐसे कुछ ट्रेडर हैं जो बाईबर्थ स्किल के आधार पर काम कर सकते हैं आप ऐसा कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं ट्रेडिंग में एक साल में बहुत सारे चमत्कार होते हैं किसी ऐसे कंसर्न का मिलना काफी आम है जिसे इस बात का गहरा एहसास हो कि शुगर 40 सेंट तक जा रही है या फिर कॉपर का स्प्रेड नाटकीय रूप से बढ़ने वाला है और यह है एक विचार सही साबित होता है फॉर एग्जाम्पल हाल ही में मैंने एक ऐसे ट्रेडर के बारे में सुना जिसने पिछले वर्ष स्प्रेड का ट्रेडिंग करके 27 मिलियन डॉलर कमाए और फिर लगभग सारा पैसा गवा दिया आप नए ट्रेडर को क्या सलाह देंगे सबसे पहले मैं कहूंगा कि रिस्क मैनेजमेंट को अच्छी तरह से समझना सबसे इंपॉर्टेंट बात है अंडर ट्रेड अंडर ट्रेड और अंडर ट्रेड मेरी दूसरी सलाह है आप जो भी सोचते हैं कि आपकी पोजीशन होनी चाहिए उसे कम से कम आधा कर दें नए ट्रेडर के साथ मेरा एक्सपीरियंस यह है कि वे तीन से पांच गुना अधिक बड़ा ट्रेड करते हैं वे किसी ट्रेडिंग में पांच से दस परसेंट रिस्क ले रहे हैं जबकि उन्हें एक से दो परसेंट रिस्क लेना चाहिए और ट्रेडिंग के अलावा नए ट्रेडर आमतौर पर और कौन सी मिस्टेक करते हैं वे मार्केट को पर्सनलाइज करते हैं मार्केट को पर्सनल नेमेसिस समझना एक कॉमन मिस्टेक है बेशक मार्केट पूरी तरह से इम्पर्सनल है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप पैसा कमाते हैं या नहीं जब भी कोई ट्रेडर कहता है मैं चाहता हूं या मुझे आशा है वह विनाशकारी तरीके से सोच रहा है क्योंकि यह डायग्नोस्टिक प्रोसेस से ध्यान हटा देता है कॉनर के साथ जैक की बातचीत में जैक उनके एनालिसिस की अत्यधिक कॉम्प्लेक्सिटी और स्कोप से चकित रह गए वे अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वे इतने सारे अलग अलग देशों की इकोनॉमी का गहनता से फॉलो और एनालिसिस करने के लिए टाइम कैसे निकाल सकते हैं इन विभिन्न एनालिसिस को एक ही पिक्चर में इंटीग्रेट करने की बात तो दूर की बात है स्पष्ट रूप से कॉर्नर का वर्ल्डवाइड फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस का यूनिक सिंथेसिस एवरेज ट्रेडर के लिए मुश्किल से ट्रांसलेटेबल है फिर भी कॉर्नर के ट्रेडिंग अप्रोच में प्रमुख एलिमेंट है जिनका अधिक सांसारिक ट्रेडर से सीधा रिलेशन है कोनर एक रिस्क मैनेजमेंट को सक्सेसफुल ट्रेडिंग की कुंजी के रूप में लिस्टेड करते हैं ट्रेडिंग शुरू करने से पहले वह हमेशा एक एग्जिट पॉइंट तय करते हैं वे प्रत्येक ट्रेडिंग के रिस्क को इंडिपेंडेंट रूप से देखने के बजाय पोर्टफोलियो के आधार पर रिस्क का वैल्यूएशन करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हैं यह है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जब कोई ऐसी पोजिशन रखता है जो अत्यधिक कोरिलेटेड होती है क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो रिस्क ट्रेडर के एहसास से कहीं अधिक होने की संभावना है कॉवनर का एक स्टेटमेंट जिसने जैक पर विशेष रूप से प्रभाव डाला स्टॉप लगाने में उनके अप्रोच से संबंधित था मैं अपना स्टॉप ऐसे पॉइंट पर रखता हूं, जो बहुत दूर है या आसानी से पहुंचना बहुत मुश्किल है इस तरीके से कौनर इस संभावना को अधिकतम कर देते हैं कि उन्हें उस ट्रेडिंग से नहीं रोका जाएगा जो सही साबित होता है साथ ही कठोर मनी मैनेजमेंट डिसिप्लिन बनाए रखता है इस अप्रोच के पीछे फिलोसफी यह है कि वाइड स्टॉप का उपयोग करते हुए किसी ट्रेडिंग में पूर्व निर्धारित अधिकतम डॉलर रिस्क को कम संख्या में कॉन्ट्रैक्ट्स में एलोकेट करना बेहतर है यह स्पेसिफिक ट्रेडर के बिल्कुल अगेंस्ट है जो प्रति कॉन्ट्रैक्ट लॉस को लिमिट करने का एफर्ट करेगा लेकिन जितना संभव हो उतने कॉन्ट्रैक्ट्स में ट्रेडिंग करेगा एक अप्रोच जिसके परिणामस्वरूप आमतौर पर कई अच्छे ट्रेडर्स को मार्केट के एंटिसिपेटेड डायरेक्शन में बढ़ने से पहले रोक दिया जाता है नैतिक बात यह है, है अपने स्टॉप को ऐसे पॉइंट पर रखें जो पहुंचने पर उचित रूप से संकेत देगा कि ट्रेडिंग गलत है न कि उस पॉइंट पर जो मुख्य रूप से उस अधिकतम डॉलर के अमाउंट से निर्धारित होता है जिसे आप प्रति कॉन्ट्रैक्ट खोना चाहते हैं यदि मीनिंगफुल स्टॉप पॉइंट प्रति कॉन्ट्रैक्ट असुविधाजनक रूप से बड़े नुकसान का संकेत देता है तो कम संख्या में कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेडिंग करें कोनर की सबसे खराब ट्रेडिंग गलती जैसे कि वह कहते हैं उनका धमाकेदार ट्रेडिंग क्षण भर के लिए नए डिसीजन के परिणाम स्वरूप हुआ जैक का अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस इस बात पर जोर देता है कि इम्पल्सिव यानी सहज ज्ञान से भ्रमित न हुए बिना ट्रेडों की तुलना में हाई फेलियर रेट वाले ट्रेडों का संभवतय कोई ग्रुप नहीं है उपयोग किए गए अप्रोच के बावजूद एक बार स्ट्रेटेजी का सिलेक्शन करने के बाद ट्रेडर को अपने गेम प्लान पर टिके रहना चाहिए और इम्पल्सिव ट्रेडिंग निर्णयों से बचना चाहिए फॉर एग्जाम्पल एक अनप्लान ट्रेडिंग करना क्योंकि एक फ्रेंड ने अभी इसकी रिकमेंडेशन की है पूर्व निर्धारित से पहले एक पोजीशन को लिक्विडेट करना प्राइस में एडवर्स प्राइस मूवमेंट के कारण स्टॉप पॉइंट पहुंच गया है अंत में कोनर एक अच्छे ट्रेडर को स्ट्रांग इंडिपेंडेंट और स्ट्रीम में कॉन्ट्रेरी के रूप में देखते हैं और जीतने वाले ट्रेडर के इम्पोर्टेंट गुणों के रूप में डिसिप्लिन और मिस्टेक्स करने और स्वीकार करने की इच्छा की ओर इशारा करते हैं तो अभी आपने इस बुक के सेक्शन को सुना अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और अपने कम से कम चार दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर अवश्य करें धन्यवाद HindiAudioBook.com आपका दिन शुभ हो